सजाइए Bye.
तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका में तो अनेक राक्षस रहते हैं और यहाँ तो सज्जन पुरुष का आना कि जो संत मुनि जन है, धार्मिक पुरुष है, वहाँ बहुत मुश्किल से कठिन से आ सकते हैं। और यह बात महावीर जी विचारने लगे कि कहीं छल तो नहीं है। उसी समय विभीषण जी जागे और विभीषण ने राम नाम स्मरण किया, राम नाम का उच्चारण किया और महावीर जी उसे सज्जन जान के, धार्मिक पुरुष को जानकर हृदय में महावीर जी का बहुत प्रसन्न हुआ कि जो राम का नाम यहाँ लंका में भी लिया जा रहा है और इससे मैं निश्चय पहचान करूंगा कि मैं ये राम नाम जो ले रहा है ओ नाम को मैं उस व्यक्ति को मैं जरूर पहचानूंगा कि ये कौन है, क्योंकि महात्माओं से कार की हानि नहीं हो सकती। यानी कि जो कार के लिए मैं यहाँ आया हूँ, अगर महात्मा कोई मुझे मिल जाए तो जो कार के लिए मैं आया हूँ तो हानि नहीं मिल सकती मुझे। ब्रह्मा का रूप धरकर, ब्राह्मण का रूप धरकर वचन सुनाया और सुनते ही जो विभीषण है वहां हनुमान जी के पास आए और ब्राह्मण इस कारण जो हनुमान जी इस कारण ब्राह्मण का रूप लिया कि राक्षस अगर कोई राक्षस होगा तो ब्राह्मण को ना मानेगा, यानी कि ब्राह्मण को मानेगा ही नहीं और प्रणाम करके कुशलता पूछी कि हे ब्राह्मण अपना चरित्र समझाकर मुझको कहो कि तुम्हारे दास नाम कोई कहता है कि क्या तुम कोई नारायण के दास में हो, अनकी कोई नारायण के दास हो, क्योंकि तुम्हें देख मेरे हृदय में बड़ी प्रीति होती है, अथवा तुम दीन भक्तों के ऊपर प्रेम करने वाले श्री रामचंद्र ही तो नहीं हो, मुझे बड़ा भागी करने में अनकी मुझे आप देखने के लिए यहां पर आए हो। और इसी के साथ साथ हमारी जो छोटी सी मंडली है यहीं पर रामायण का विराम करती है और आशा है अगर हमसे कुछ त्रुटियां हो गई हो तो हमें छोटा जानकर अवश्य क्षमा करेंगे। चले आना हमार जिया लागा है तुम्हें।
सरस्वती दिया ज्ञाना हमारे की।